हाय विवेक। हाय, कैन आई सिट? या श्योर। एक मिनट, आप खड़े हो गए क्या? हाइट देखनी थी। अरे वाह यार, आपकी तो सेम हाइट है मुझसे। हाँ। बड़े तो नहीं हुआ? बैठ जाओ, आप भी साथ में बैठते हैं। ओ, बच गए गिरने से यार। देखो तो क्या बात है, कोई बात नहीं। काम क्या आपका? रिशिता। तो आपकी हाइट तो बहुत कमाल की है। थैंक यू। वैसे मैं आप बता भी सकता हूँ आप क्या करते हो। क्या करते हो आप? मॉडलिंग करते हो? हाँ जी। मुझे कैसे पता, आप बताओ। बताओ। एक तो मैं इंजीनियर हूँ, बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ। okay. और दूसरे मैं पंडित जी हूँ। अच्छा, मैं भी ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हो? कौन सी ब्राह्मण हो? त्यागी हो? हम मिश्रा जी हैं। अच्छा, तो हम ऐसे ही आपकी आंखें देखकर बता सकते हैं। अच्छा, बहुत खूबसूरत हो आप यार। सूर्य की सारी रोशनी देखो आप पे पड़ रही है। हम सच बताएं, जब मैंने आपको यहाँ अकेले बैठे देखा फोन में, तो मैं सोचता रहा काश मैं वो फोन होता और मुझे पे उंगलियां रख के वैसे ऐसे करती रहती। ओके। मैं आपके लिए एक लाइन सुनाता हूँ। जब मैंने आपको यहाँ बैठे देखा तो सच बताऊँ पहली नज़र में आपको देखते ही ना अट्रैक्शन हो गया। मैं आपके लिए एक लाइन कहता हूँ। खुले बालों में आप कयामत ढाते हो। भगवान कसम आप पूरा हूर हो यार। वैसे कहाँ से हो आप? साउथ दिल्ली। दिल्ली से ही हो? हाँ जी। ऐसे ही दिल्ली में ऐसी खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं यार। चेंज कर दो नाम, फिर से बताना जरा एक बार। रिशिता। हमसे आप सच बोले हाँ? आप बाल में बहुत अच्छी लगती हैं। आपको ऐसे 3 मिनट देख सकता हूँ क्या? 3 मिनट हो पूछो। क्यों? क्योंकि हम 3 मिनट के लिए ही चाहते हैं ना, इससे ज्यादा नहीं चाहते। हम सच बताए, हम 300 साल आपके साथ जीना चाहते हैं। वो तो मजाक था 3 मिनट वाला यार। 300 साल का प्लान भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया यार। वैसे क्या करते हो आप? मैं मॉडलिंग करती हूँ। मॉडलिंग के अलावा क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट में क्या? बीए कर रही हूँ। बैचलर ऑफ आर्ट। आपको तो मेरे क्लास में होना चाहिए था यार। मेरे कॉलेज में होना चाहिए था। अगर हम मैं आपको देख कर ना मैं पढ़ाई किया होता तो शायद मेरी महबूबा आप ही होती। मतलब बहुत प्यार से हंसते भी काफ़ी आप शानदार हो। एक बार हाय करो ना, आपको छूने का मन था। वैसे बोलता तो आप मना कर देते। हम एक बात बोले इस फूल। अच्छा ये बताओ, ये मतलब इस तरीके से कैसे अपने आप को आप लोग मेंटेन करते हो? हाइट वाइट, ये खुले बाल, ये नखरे, क्या खाते हो? खाने ही तो नहीं। खाने में क्या? दाल रोटी तो हम खाते हैं, तुम क्या खाते हो अपना बताओ डाइट में? सब्जियां खाते हो? उबली सब्जियां। उबली? उबला हुआ पानी भी पीती होगी फिर? हमसे ना हो पाएगा बेटा, शरीर बने चाहे हमारी ऐसे ही रह जाए। इस पेड़ पौधे और फूल पत्ते की कसम अब मैं बहुत अच्छे लगते हो। शुक्रिया। विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? हाथ बढ़ाया है कबूल कर लो, हाथ बढ़ाया है कबूल कर लो, ऐसा बंदा तुम्हें नहीं मिलेगा। एक बार इस्तेमाल कर लो। God, this is crazy. मतलब आई एम योर क्रेजी लवर। मैंने पहली बार 2 मिनट्स अब मैंने बताया ना, मोहब्बत तो सिर्फ एक नजरों में होती है, अदरवाइज तो फिर वो मजाक और उसको बोलते हैं बिजनेस। ऐसे तो मोहब्बत हर किसी से हो जाएगी। आपका बॉयफ्रेंड है? नहीं। आप बताओ इससे बढ़िया गोल्डन चांस क्या है? और हमारा नाम भी गोल्डन है। अच्छा, आपका नाम गोल्डन है? हाँ, गोल्डन भैया के नाम से लोग मुझे बोलते हैं। आप गोल्डन सैया बोल सकते हो। भैया को हटा दो, कन्वर्ट कर दो। वैसे भी हम इंजीनियर कन्वर्ट करने में बहुत माहिर हैं। अच्छा, दिल करे तो खेल लो मेरे जज्बात और फीलिंग से। नहीं, नहीं। सुन तो लो, दिल करे तो मेरे जज्बात और फीलिंग से खेल लो। बस एक बात, मोहब्बत करने का नाटक तो कर लो। नाटक करना होता तो दिल ना तोड़ के चले जाते यार। देखो यहाँ पे देखो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपसे बवाल और कमाल और मिस्री मतलब कोई है ही नहीं यहाँ पर। देखो आपको भी तिल भी है, यहाँ पे तिल है आपको, मैं जो ढेर सारे तिल हैं। वैसे बंदा बहुत सक्सेसफुल है, वो सब साइड करते हैं। हम सच दिल से कहना चाहते हैं कि आप हमें अच्छे लगते हो, शादी करोगे हमसे? अरे बाप रे बाप। मतलब दिल से यार, जो था मैंने बोल दिया एकदम से। देखो अगर पटरी खाली हो ना तो हमें दौड़ा देनी चाहिए रेल, अदरवाइज एक्सीडेंट होने का खतरा है। हर पटरी पे दौड़ा देना चाहिए। अरे हम यूपी वाले, हम कहीं भी दौड़ा देते हैं। यूपी में कहाँ से हो? यूपी में एक जगह पड़ती है पास में बॉर्डर पे, बता तो दो। अच्छा, रुड़की के पास। अच्छा, आईआईटी रुड़की वाला तो नहीं ऐसे, क्योंकि वहाँ से मैंने पढ़ाई भी की है। देखो हमारा कम्बिनेशन कुछ ना कुछ मिलता जा रहा है यार। देखो एक चीज़ है, आप अगर हम मोहब्बत करते हैं तो हमारा फायदा भी है। कैसे? पूछो क्या? कैसे? हमें इतनी खूबसूरत बीवी मिल जाएगी। सुन तो। अच्छा। हमें इतनी खूबसूरत बीवी मिल जाएगी, एक मॉडल मिल जाएगी। अच्छा। और आपका फायदा क्या? क्या? अरे यार आप बीए कर रहे हो, मैं आपको थोड़ा पढ़ाई में हेल्प कर दूंगा और भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर दूंगा, आपके करियर में हेल्प कर दूंगा। ये तो रहा बिजनेस। अच्छा, अब दिल की बात बोलते हैं। अच्छा। आप यहाँ बैठे थे, एक नज़र में हमने आपको देखा और हमें आपसे मोहब्बत हो गई।
दिल करे तो कबूल कर लो वरना मना कर दो, हम बस चले जाएंगे जैसे ही हम वहाँ से आए थे वैसे ही हम वहाँ से चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी प्यार पे ठुकराती नहीं हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान लगे, आप बहुत अच्छे से बात करते हो, दोस्त बन सकते हैं हम लोग। मोहब्बत कबूल कर लो आप। ऐसे कैसे कबूल? मैं दिल से कह रहा हूँ, यहाँ से कह रहा हूँ, फाइनली मुझे आपसे प्यार हो गया। मैं मतलब एक्सप्लेन, देखो हम दो बातों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते चीज़ों को, लेकिन हम दिल से कह रहे हैं हम सिर्फ आपसे ही मोहब्बत करते हैं, और अभी ऐसे ही देखा और आपसे अट्रैक्शन हो गया तो मैंने जाकर डायरेक्टली बोल दिया। अब मैं पहले सोचूं फिर ताड़ूं फिर आपके पीछे जाऊं, इट्स नॉट एग्जैक्ट। सो यू आर गोना कम स्ट्रेट टू मी एंड से, जो भी था दिल में मैंने बोल दिया, बाकी आपका जो इरादा होगा, जो भी फैसला आपका होगा मंजूर होगा। चाय पीने चलेंगे, लेकिन चाय नहीं पसंद मुझे। आप जो भी पीना चाहें, चाय कॉफी वगैरह वगैरह, तो फिर ठीक है। मेरा एक बात बोले अच्छा, गोलगप्पा खाते हो? हाँ जी। तो मजा आ जाएगा यार, मतलब लाइक मेरा आशिक भले ही गरीब हो, दिल से बोला हूँ, फीलिंग्स है ऐसे ना, गरीब वाला मेरा आशिक भले ही गरीब हो लेकिन उसका इश्क मुझे कबूल है। तो गर्लफ्रेंड चलो पक्का डन ना, दिल तो नहीं तोड़ोगे ना फिर? पहली बार मैंने दिल से कहा है। अच्छा दिल से कहा है, उठ जाओ फिर यार, आ जाओ, ये है किस्मत हमारी यार। अच्छा तो मैं प्रपोज तो कर दूँ, मैं पहली बार किसी लड़की को प्रपोज कर रहा हूँ। ओके दिल से मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी जंग लेने जा रहा हूँ, हाथ तो सही कर लो फिर। ओके मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ताबे उम्र तुम्हें ऐसे देखना चाहता हूँ, और विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? ओ माय गॉड, श्योर? या आ जाओ फिर। ओह माय गॉड, मेरा काओ कॉफी चाय कबूल हो। तो इतनी खूबसूरत लड़की लाइफ में पहली बार मुझे मिल रही है, मतलब मैं बहुत लकी हूँ फिर मैं। अच्छा मैं आपसे एक बात बोलूँ, आप बहुत खूबसूरत हो, लेकिन वो कैमरा लगाया, हम छोटा सा मजाक कर रहे थे। नाइस टू मीट यू, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आ जाओ फिर यार, इतनी खूबसूरत लड़की, हाइट हमारी देखो, ये सेम टू सेम।